से पकड़ेंगे और इसको करेंगे सेंटर में और ऐसे सारा हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। प्लेट गंदी नहीं होनी चाहिए पर हो गई है उनकी कर। बंदा जब अकेला काम कर रहा हो ना तो बढ़िया चीजा खराब हो जाती है मेरे को। ये और इसके ऊपर अगेन हम डालेंगे सेसमे सीड, ब्लैक वाले सारे के भी डाल सकते हैं, थोड़े हम डाल देंगे व्हाइट वाले। मेरे यहाँ ना इस घर में हमारे पास डब्बों की कमी है, जब हम अपने घर जाएंगे फिर आप वहाँ पे देखें हमारे जो है सारा प्लान चीजें अच्छे तरीके से वो वहाँ पे पड़ी हैं। तो मैं यहाँ से उठा दूँ। अच्छा जी, फ्रेंड के घर से तो हम हो आए और बड़ा ही मज़ा आया। अब मैं सोच रही हूँ गड्डी के अंदर चलती हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके ले आऊँ मीट, बारबेक्यू करना है। वीकेंड का मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है, तो चलते हैं मीट शॉप पर और फिर इसको हम मैरिनेट करेंगे और आपको दिखाएंगे आपने इसको कैसे मैरिनेट करना है। कितना अच्छा ये बना के रखते हैं जी। दे दें थोड़ा, एक किलो ये दे दें और इसके साथ आधा किलो दे दें चिकन का। ये भी कीमा वैसे अच्छा है यहाँ से। थैंक यू। चलें जी, मीट मैंने ले लिया, अब हम चलते हैं घर और मैरिनेट करते हैं इसको जाके। मीट हमने ले लिया, बड़ा ही रश है इतने, छुट्टी हो गई बच्चों स्कूल ते बस। हाय हाय, पीछे वाला हूँ तो गड्डी पर करते मैं कड़ा गड्डी में को एडे और नहीं गड्डी निकलती। हाय हाय, ओ हाय, चाबी लावांगी तो चलेगी गड्डी। मौसम इतने निकली है जी धुप, तो जल्दी इंग्लैंड धुप। हाय हाय हाय, बेड़ा तर गया, अगली गड्डी च मार देनी सी ने। और जल्द इतने मौसम चंगा है ना तो फिर इतने होंगे जो बारबेक्यू। तो हमने मैरिनेट करके सारा कुछ, फिर हमने करना है बारबेक्यू। तो आपको फिर दिखाएंगे हम कि बारबेक्यू हमने कैसे किया। हेलो कहते तो बोलन लग पी ने। हाय हाय, गड्डिया एडिया तो बजना जाए गड्डी, बेड़ा ही तर गया। एडिया एडिया गड्डिया के मूँह ने अगो चलें जी, अब चलते हैं हम घर। तो इसमें मैं अभी मैरिनेट करूंगी चिकन बोनलेस सी, और मैं चिकन टिक्का के पीसेस करवा के लाई, लेकिन बाद में माइंड चेंज कर लिया। मैंने कहा इसको मैं वागा मामा के स्टाइल का बनाती हूँ, उनका था प्रॉन, फायर प्रॉन कुछ इस तरह का था। तो ये चीजें हैं जो मैं इसमें डालूंगी। और ये है चिकन, ये चिकन है, चिकन को मैंने इस तरह से काट के रख लिया था, ठीक है। इसमें मैं डालूंगी इन्हें नीचे खोलना कोई वी तो स्यापे चीजा खोलन दे। एलो मैं ही लाया है कि किधर डुल पवे डिग डुग पवे यू नो। तो ये जो है ना स्टॉपर, ये इसको रोक ले, ठीक है। ये देखें, ये हमने डाल लिया सोया सॉस, उन्हें बंद करिया भी खड़ोने ही ने हैं नवियां खेडाने। एलो ये ले, इसको हम करेंगे। तो मैं गई थी फ्रेंड की तरफ आज, उनकी अम्मी के साथ बड़ा ही अच्छा टाइम गुजरा, बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही दिलकश टाइम था। दिलकश ऐथे वेहनों की खिलारा पे है हैं। बस मैं वेट नहीं कर सकती अपने घर वापस जाऊं, उथे चीजा रखा सही तरह करके हैं। और ये है काली मिर्च और नमक तो ना ही डालूं क्योंकि नमक ऑलरेडी है इसमें। मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी इसमें मैं कॉर्नफ्लोर तो नहीं है, मैदा है थोड़ा सा,
ठीक है, थोड़ा सा मैदा बस ऐसे, आधा सौदा भी आने वाला है और आधा ये है। मैंने कहा चलो बाकी का सामान आए उदो तक मैं इन बना लूंगी। जब मुझे लगेगा ना इसकी कोटिंग अच्छी सी हो गई है तो बस फिर कालिया मिर्चा, सोया सॉस और ये मैदा, ठीक है, मैदे च पा देता है। मैं अंदाजे से काम करती हूँ, अंदाजे से, ठीक है। जब जब तक मुझे राइट टेक्सचर का पता नहीं चलेगा ना तब तक मैंने स्टॉप नहीं करना कि राइट टेक्सचर है। जब अच्छी तरह इसकी हो जाए कोटिंग, अच्छी तरह हो गई कोटिंग ऐसे, ठीक है। और अब इसमें मैं डालती हूँ एक लाके सफेदी। वो वैसे वो कहते होंगे ना खाली ना सफेदी, खाली सफेदी इसमें डालते हैं, तो मैं क्या भाई असी सर्दी क्यों सुटनी है। आंडे कोई सस्ते हैं, आंडे कोई सस्ते हैं, आंडे यू नो आंडेज आर वेरी एक्सपेंसिव। इसमें डाल के अब इसको हमने करना है मिक्स। हेलो जी, बस इतनी की कोटिंग हमने इसकी कर लेनी है, इतनी इतनी। आई थिंक ये थी एक किलो चिकन। एक किलो चिकन में मैंने 6 to 7 टेबल स्पून डाले हैं मैदे के। कॉर्नफ्लोर होता थे बेस्ट सी, पर मेरे पास कॉर्नफ्लोर जो है ना वो नहीं था, इसलिए हमने इस तरह से इसको कर लिया है मैरिनेट। अब मैं इसको, ये जगह कोनी जो चीजा रखन दी रेसिपी बनानी हो तो खलारा बहुत पड़ जाता है, बहुत ही पड़ता है। पैन को हम ये अब हम इसमें डालेंगे वारी वारी। देखेंगे इस तरह होना चाहिए ऐसे। लें जी, यहाँ धुल रहे हैं बर्तन, हैं काम जड़ा है ना, काम नहीं खत्म होता है। फिर तुम कहते हो आप ही नहीं कपड़ों में काम करती हैं, तो मैं रहना ही सारा दिन ऐसे ही हुलिए बच्चे, तो फिर मैं करना ही है, तो फिर तैयार होके करा वधिया सा तैयार होके करूँ। हैं मैं क्यों फील करती रहा कि हाए मैं जड़ा है ना काम करती पी हूँ ना, मैं तैयार होके काम करांगी। तो हूँ मैं क्या, मैं सारे धो लव बर्तन, सारे बर्तन धो के, और फिर हाए ग्लव्स भी नहीं पाए हूँ, हाथ खराब हो गए हैं। सारे बर्तन धो के अच्छी तरह से फिर ना मैं ये जो बनाया ना मैंने इसका ना एक एक प्लेट बनेगी इसकी, बड़ा वधिया बनेगा। तो मैं क्या, मैं बर्तन धो के तो फिर ना मैं वो बनाती हूँ उसको। मेरा दुपट्टा बार बार चेंज हो रहा है, वो दुपट्टा जो है ना वो थोड़ा टिकता नहीं है ऊपर, तो इसलिए मैंने वो उतार दिया। लेकिन मैनू ना बगैर दुपट्टे तो मैनू बहुत वो लगता है मुझे कि ये पाकिस्तानी होने का ना एक ये चीज़ मेरे अंदर है। हैं यहाँ जाहिर है कोट शोट पाए हो तो फिर तो दुपट्टा कोटा के अंदर ही होंगे ने, ऊपर नहीं होते, लेकिन मैनू यह होंगे कि हाँ दुपट्टा जरूर होना चाहिए, दुपट्टा जरूर हो। मॉडेस्ट ड्रेस किया हो आपने, अच्छे तरीके से ड्रेस किया हो, और की इतने चुकना धरना इतों तौबा तौबा। तुहाडे घर भी इन्ने भांडे ने, इंज खलारा पैंदा जिवें साडे घर पिया, इंज पैंदा खलारा, सही दसो। और ये बताएं बर्तन कौन कौन धोता है आपके घर में, तुसी धोंदे हो, तुसी सारा काम करदे हो कि सारे करदे ने, कि बस तुसी करदे हो, तुसी पकांदे हो तो सारे खांदे ने, इंज करदे हो है, इंज करदे हो जरा मैनूं दसो। आए अयान ने ना, मैं तुहानूं विखानी, उहने एडे सोहणे अपने बूटे इत्थे लाए ने, उहदे बूटे निकल आए जे सारे लै के आया सी उस दिन, विखानी आ तुहानूं। ए वेखो क्यूकंबर है, आ दूजा हले निकलदा पिया है, तो यह फिर की लाया उसो, ए निकल आए ने, ए वेखो। डैडी को बुलाओ वो करते हैं।
ले जी हमारी आ गई है पेपर्स। अब हम अपना शुरू करते हैं खाना बनाना। ये देखें ऐसे ऐसे काट के इनको। तो फिर मैं आपको बताती हूँ हम इसकी सॉस बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे वो भी बताते हैं। भांडे सारे धोले, सारे बर्तन मैंने धोए हैं। ये देखें मैं आपको दिखाऊं, सारे बर्तन धोए हैं। वो देखें उधर, देखिए पांडों का भंडार मैंने धोया बकलम खुद है। तो फिर जो है ना, हकदार तो हम हैं अच्छे कपड़े पहनने के, इवन किचन में भी है, क्योंकि काम जो सारे हमने कर रहे हैं। तो मैं क्या, पहले मैं ये धो लूं ना, फिर आराम से काम कर सकती हूँ। नहीं तो बड़ा ही खलारा बड़ा ही पै जाएगा है, थोड़ी लग रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारी मिर्चें, उधर माइक्रोवेव का रोला है। यानी ये देखिए, ये जो है ना, ये चीज़ ये इसको उतार दिया करें। ये रेस्टोरेंट्स वाले जो है ना, उन्होंने भी उतारी होती है ऐसे, इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, अब हम अपनी तैयारी स्टार्ट करने लगे हैं। ऐसी बनावांगे सॉसेस, यहाँ पे हम सॉसेस बनाएंगे। जो हम चिकन बनाने लगे हैं, मैंने सुखियाँ मिर्चा तो कोनी लभियाँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ला के इधर रखी हैं कि हम इनसे ही गुजारा करेंगे। मेरे सूट के साथ मैचिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज मैं कुछ बना रही हूँ वधिया सा। यहाँ से मैं मैं चम्मच कितने रख देता है, ठहर जो। पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल, और ये देखें हमने डाल दिया ऑयल इसके अंदर। थोड़ा जहा तेल पावांगे, और बहुत ही सारी पावांगे थोड़ा जहा तेल और बहुत ही सारी जिंजर गार्लिक इसके अंदर। क्या पक रहा है, बस जी कुछ बन ही रहा है। ये देखें, ये हमने इसमें डाल दी जिंजर गार्लिक, और इसको हम आए हाय इधर तो नजर ही नहीं आंदा पे, ठहर जो बेड़ा ही तर गया। ठहर जो मेरा काम खराब हो गया। आपकी क्या बना रहे हैं? ये मैं ना मैनू नाम भूल गया, जो की बना दी पे नाम भूल गया क्या बना रही हूँ, बस यही गड़बड़ कर जाती हूँ। हमने इस तरह से इसको हम करेंगे, बड़ा अच्छा इसका आ रहा है टेस्ट। ठीक है, बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, हल्की इसको मैं करूँगी साइड पे, और यहाँ हम बनाएंगे सॉसेस। ठीक है, इसमें मैं डालने लगी हूँ केचप। केचप डालें दिल खोल के डालें, ठीक है, दिल खोल के डालनी है आपने। केचप डाल दी, ये मैं डाल रही हूँ हनी। ये हम डालेंगे हनी, ऐसे हनी डाल दी। ठीक है, ये हमने डाला सिरका, सिरका डाल दिया इसमें। ये हमने डाली सिराचा सॉस, सिराचा सॉस भी मरी मुक्की पई ओहदे च वी गुस्सा सब, तो कोई नहीं किधर निकल आवे टाइम नाल ही निकल आवे किधरों है। और ये है ओइस्टर जो भी है, ये ओइस्टर सॉस। ठीक है, ये हमने डाल ली ओइस्टर सॉस जब हमने डाली है तो फिर हाय आज गर्मी कितनी है, बड़ी गर्मी जी, आज बड़ी बड़ी गर्मी जी। और ये है सोया सॉस। ठीक है, ये मैं दिखाती हूँ आपको, जरा इधर ले आऊं ताकि आप रेसिपी पूरी देख। ए लो जी, हमने जो इसको कोठे पे चढ़ाया हुआ था ना, स्टैंड को ला दिया, तवा कितने फंस गया होने दे विच, दराज दे विच ये। ठीक है, ये हमने इसमें डाल लिया। मैं इहदे च पाया कि नहीं पाया, नहीं पाया फरे, ये सोया सॉस डाल दिया। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें सोया सॉस। तुहाडे नाल जरा मैसेज वेखो, एक मिनट खलोवो जरा। लुकिंग माशाल्लाह फ्रेश जी, की करिए बस, असी फ्रेश ही बने हैं की करिए, बड़े ही फ्रेश हाँ असी हैं, साढ़े जिड्डा फ्रेश कोई नहीं। ये हमने डाल दी इसमें सॉस। मैं क्या ना, मेरी क्रिएटिविटी जड़ी है ना, उन्हों कितने सह नहीं आता पाया कितने, वह बह जाए। क्रिएटिविटी अरूज पे है,
मैं बनाती कुछ हूँ बन कुछ और जाता है। देखें ये चिकन, ये मैंने फ्राई की हुई थी, इसको मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ऐ देखिया हूँ आया जो मजा, ऐ देखो देखो कितनी शानदार बनाई है मैंने, जिसको कहते हैं ना शानदार। वो ये पहले से गली हुई थी और सॉस बस इतनी की हमने बनाई। मैं कहती हूँ जिस चीज को हम हाथ लगा दें वो गुड हो जाती है, गुड, क्योंकि हमारी नीयत गुड होती है ना, इसलिए। ये देखें बस इन्नी, इस तो ज्यादा असी इनू नहीं करना, ठीक है। इतनी इसकी सॉस बनी है, सॉस शानदार, जिंदगी से भरपूर। मैं पा दवा, मैं क्या दर तुम मैं बनानी हूँ चाइनीज तभी मैं लाव ना दोहरिया मिर्चा अपनी एडिया एडिया वधिया बनो गई। एलो अब होने लगी है फनकारी, जिसको कहते हैं फनकारी रियल। वो कैमरा तो चलाया ही नहीं, अद्धी रेसिपी तो मैं इंजी बना छड़नी है बगैर कैमरा ऑन की। ये इसको जरा रहने दे सुकून करने दे। ये मेरिया चीजा लफाफे च पईया, कोई डब्बा शब्बा भी कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। ये देखे ये हो गया, नजर आ रहा है आपको, नजर आंदा पे जी, दिसदा पे जी की है। अच्छा इधर से अब हमने हमने ऐसे डालना इधर, काले तिल, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर। ये देखें ये बना है, मैं आपको अभी। चलें जी हम बनाते हैं अब ये अपना खाना। ये देखें इधर से यहाँ बने हुए हैं चावल, और चावल मैंने पहले जो प्लेट बनाई थी उसमें इसको डाल के हम ऐसे बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक हैं। हमने बनाया है आज चाइनीज खाना और उसी की प्लेटिंग कर रही हूँ। प्लेटिंग आपको दिखाते हैं कि हमने इसको कैसे बनाना है, ठीक है। इसको मैं करूँगी साइड पे इधर, और यहाँ मैं इसको रखती हूँ ताकि आपको क्लियरली आ सके नज़र यहाँ से कि हम इसको कैसे बना रहे हैं। एक प्लेट मैंने ऑलरेडी बना ली है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। ये देखें ये हमने इस तरह से किया, और ये मैंने बनाया हुआ है जो खाना, खाना नहीं इसको आप स्वीट एंड सावर कह लें, लेकिन ये थोड़ा स्पाइसी बनाया है। इस तरह से कर लवांगे, सारा साइडों पे डाल लेंगे ऐसे मिक्स करके इस तरह से। ये देखें सारी प्लेटें इस तरह ही बना ली हैं। इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा सेसमे सीड, थोड़े से पाऊंगे। ये चाइनीज बना है, बड़ा ही जबरदस्त बनता है, ठीक है। ये देखिए थोड़े से व्हाइट डाले हमने, और थोड़े से मैं डालूंगी ब्लैक, थोड़े से ब्लैक डालूंगी, और बड़ा ही जबरदस्त इसके ऊपर आता है कलर इनका। ये देखिए इस तरह से, तो ये इस तरह से इसको हमने मुंदा मार लेना है इसके ऊपर मुंदा मार के, और हमने इस तरह से इसको इसको घुमाना है इस तरह से, और फिर हमने इसको जब खोलना है तो इसने ऐसे बने होना है, ठीक है, ऐसे बना होगा। और फिर हम इधर यहाँ देखें जी, इतनी गर्मी सी ना आज, पर फिर भी मैंने ये खाना बनाया है सबके लिए। और ये सारी सॉसेस पड़ी हैं जो इसमें डाली थी मैंने, वो बाहर ही पड़ी हैं ताकि अगर कोई देखना चाहे तो वो वीडियो में जो है वो देख सके। और ज़बरदस्त खाना बना, आपको इधर करके कैमरा दिखाती हूँ। टिल देन आपको मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, ऐसे ही पसंद करते रहें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। ये देखें जी ये हमारा सारा खाना बन गया जो मैंने बनाया था अभी, जिस जिसने खाना है उन उनके लिए। देखिए
ये देखें जी, ये हमारा खाना कितना ज़बरदस्त बना, और आपको मिलती हूँ इसके बाद किसी नई रेसिपी में। पसंद आए रेसिपी तो मुझे ज़रूर बताएं। हले मेरे को चीज़ां बेचे थे पूरियां नहीं सन, मैं थोड़ी डिफरेंट बना दी थी रेसिपी, लेकिन सही रेसिपी मैं आपको बताऊंगी कैसे, लेकिन ये भी बहुत मज़े की बनी।